हेलो दोस्तों, पीपीएम चैनल में मैं पंकज कुमार आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 2021 में जितने भी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हुई हैं उनके पुरुष वर्ग में विजेता कौन हुए हैं और महिला वर्ग में विजेता कौन हुए हैं और वो किस कौन कौन से देश से संबंध रखते हैं, इनके बारे में देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष वर्ग में विजेता रहे नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं और महिला वर्ग में विजेता रहीं नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं। वहीं मई जून के महीने में फ्रेंच ओपन होता है, इसमें पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविक ही विजेता रहे और महिला वर्ग में बारबरोई क्रेजिकोवा जो कि चेक रिपब्लिक यानी कि चेक गणराज्य की हैं। वहीं विमंडल ओपन की बात करें तो इसमें पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं जैसे मैंने पहले बता रखा है और महिला वर्ग में एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ये विजेता रहीं। वहीं वर्ष के अंत में होने वाले अमेरिकन ओपन की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी नोवाक जोकोविक चूक गए, यहाँ पे पुरुष वर्ग में विजेता हो गए डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं और वहीं महिला में एमा रादुकानु जो कि ब्रिटेन के हैं। दोस्तों, मैं अंत में एक और जानकारी आप सबों के बीच शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में कोई भी टेनिस खिलाड़ी अगर चारों ग्रैंड स्लैम ओपन जीत जाते हैं तो उन्हें कैलेंडर ग्रैंड स्लैम विजेता के नाम से जाना जाता है जो कि यहाँ थोड़ी सी नोवाक जोकोविच चूक गए। धन्यवाद।